उसका पीछा करते हुए इधर आया हूं और ये कह रहा है कि वो यहां नहीं है। तुम्हारी गाड़ी गेट पे खड़ी हुई है, अगर उसने तुम्हारी गाड़ी देखी तो वो अंदर आएगा क्या? साहब मैं आपको बता रहा हूं कि साथ साहब नहीं आए। मतलब साहब, बेगम साहब और साथ साहब जब भी बाहर जाते हैं, आने से पहले वो मुझे इतला करते हैं कि घर को साफ सुथरा करा दो और जरूरी सामान भी रखवा दो। साहब इस दफा तो ना तो उनका कोई फोन आया और ना ही साथ साहब आए हैं। साहब सर ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। मैं कसम खाता हूँ साहब। तुम लोग बेईमान होते हो, थोड़े से पैसों के लिए झूठी कसमें तो यूं ही खा लेते हो। ठीक है खा लेता हूं, कोई भी झूठी कसम खा लेता होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं साहब कि साथ साहब यहां नहीं आए। नासरी उसके पैसों पे पलता है, इसको धमकियां लगाई भी हैं उसने, ये उसका डर उसका पैसा बोल रहा है। देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम हमें साथ के बारे में बता दोगे तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं तुम्हारा नाम नहीं आएगा। साथ ने जो भी कुछ निशा के साथ किया वो सब तुम्हारे सामने है, गलत का साथ मत दो। ये एक लालची बेहिस इंसान है, किससे बात कर रहे हो तुम? ये लालची बेहिस है। अली अली संभालो खुद को। कैसे संभालो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये उसे बता देगा और साथ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अली सबर करो यार, अगर साथ यहाँ हुआ तो हमारे सामने जरूर आएगा। मैं कैसे समझूं? सिर निशा की आए अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी रूह मेरा पीछा कर रही है। आप भी वो तड़प रही है और किससे उम्मीदें लगा के बैठे हो ये बताएगा? जब इस घर में तड़प रही थी ना तो ये उसका तमाशा देख रहा था और ये आज हमारा तमाशा देख रहा है। पागल मत बनो आली, आली थोड़ा सबर करो, इतने अरसे सबर किया है थोड़ा सा और सही। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और कैसे सबर करूं और कितना सबर करूं मैं? इसने अपने बच्चों की कसम खाई है, एतबार करो इस पे। साहब मैं आपसे वादा करता हूं अगर साथ साहब आए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको यह पता चला कि वो आया और मैंने आपको नहीं बताया तो आप बेशक मुझे गोली मार देना। मैं उफ तक नहीं करूंगा साहब, मैं उफ तक नहीं करूंगा।